में तो आप जानते ही होंगे, लेदर की बेल्ट, जैकेट, शूज और केप किसको पसंद नहीं होती हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, लेदर बड़े बड़े जानवरों की खाल से बनता है। लेकिन जानवरों की खाल से लेदर कैसे बनता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, लेदर बनाने का काम करती है ये मशीनें। दोस्तों सबसे पहले जानवरों की खाल को एक रोलर मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगी डस्ट, धूल, मिट्टी और गंदगी साफ हो जाती है। इसके बाद इन खालों को दूसरे रोलर में डालकर उन खालों को सोडियम सल्फाइड जैसे केमिकल और वाटर से धोया जाता है, जिससे जानवरों की खाल पर लगे सभी बाल साफ हो जाते हैं। इसके बाद इन खालों को तीसरी प्रेस रोलर मशीन में डालकर इन खालों को प्रेस किया जाता है, जिससे इन खालों की चर्बी उतर जाती है और ये पूरी तरह से हल्के वजन में और फिनिशिंग में आ जाती है। इसके बाद इन खालों को एक से दो दिन सुखाकर आपकी लेदर तैयार हो जाती है। इसके बाद इस लेदर पर अलग अलग मशीनें, अलग अलग पेंट और फिनिशिंग स्प्रे से एक खूबसूरत लेदर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। लेदर बेल्ट मेकिंग प्रोसेस। बेल्ट बनाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में बेल्ट का डिजाइन तैयार किया जाता है। उसके बाद लेदर की एक शीट को मशीन में डालकर बेल्ट के साइज में कटिंग कर ली जाती है। लेदर के कटे टुकड़ों को दूसरी मशीन में प्रेस करके निकाला जाता है, जिससे इन टुकड़ों की दोनों साइड गोल कर दी जाती है फिनिशिंग के साथ। उसके बाद इन सभी बेल्टों के टुकड़ों को मशीन में रखा जाता है, जहां ये मशीन पहले बेल्ट के टुकड़ों में छेद करती है और फिर इसके आगे और पीछे से एक परफेक्ट गोल कटिंग करती है। उसके बाद इन बेल्ट के टुकड़ों पर फिनिशिंग के लिए पॉलिश की जाती है। इसके बाद अलग अलग मशीनों में डालकर इन बेल्टों पर डिजाइन क्रिएट किया जाता है। और सबसे लास्ट में इन बेल्ट पर बिल्ला लगाने का काम किया जाता है। बेल्ट पर बिल्ला लगाकर उसकी सिलाई की जाती है। ऐसे आपकी बेल्ट पूरी तरह तैयार की जाती है। ग्लास मेकिंग मशीन। ये कांच की ग्लास एक मशीन से बनते हैं, जिसमें